ऑब्जर्वेशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? कोविड की तैयारियों को जांच रहे हैं। पिछली वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई, उसकी तैयारी का जायज़ा लिया। हमने वेव के बाद सब अस्पतालों में अपने PSA प्लांट लगाने का निर्णय लिया था और 84 PSA प्लांट हमारे सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में फंक्शन में, और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश दिया था कि वो भी अपने PSA प्लांट्स लगाएं, तो 54 उनके चालू हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के मामले में तो हरियाणा लगभग आत्मनिर्भर है। बाकी वेंटिलेटर्स हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सफिशेंट मात्रा में है, फंक्शन में है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रोक्योर किए थे, उनको देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। और अभी हालांकि तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन में अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही अपने आप को। तो अभी सर, आने वाले दिनों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का और कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, उसको लेकर क्या आगे? नहीं, उसी की तैयारियां कर रही है सर। एक तो, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में खुलने की बात हुई है, रोहतक में चालू करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हरियाणा के उस सिरे में होगी तो एक इस सिरे में भी जी। एक प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया था, चूक हुई है सुरक्षा, सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोक के जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि देश में प्रजातंत्र है, लोग सड़क पर आ ही सकते हैं, ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है, ये उनकी प्रधानमंत्री जी के रास्ता रोकने के षड्यंत्र में संलिप्तता की सरकार रोकती है। देश में प्रजातंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौंक चौंक पर प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोकना है। जो इन्होंने किया है वो किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं पंजाब में। देखिए, अब उसके लिए उच्च स्तरीय समिति बन गई, केंद्र सरकार ने बना दी है, वो जांच करेगी और जो जो दोषी पाया जाएगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और ऑक्सीजन में जैसे हमारे अभी दो हैं, आज भी दो चार आ जाते हैं और Thank you.
के लिए जो तीन देर में आया था ये पूछना लगता ऑर्गेनाइजेशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? कोविड की तैयारियों को जांच रहे हैं। पिछली वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई, उसकी तैयारी का जायज़ा लेंगे। हमने वेव के बाद सब अस्पतालों में अपने पीएसए प्लांट लगाने का निर्णय लिया था और 84 पीएसए प्लांट हमारे सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में फंक्शनल है। और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश दिया था कि वो भी अपने पीएसए प्लांट्स लगाएं, तो 54 उनके चालू हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के मामले में तो हरियाणा लगभग आत्मनिर्भर है। बाकी वेंटिलेटर्स हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सफिशेंट मात्रा में है, फंक्शनल है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रोक्योर किए थे, उनको देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। और अभी हालांकि तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन में अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही अपने आप को। तो अभी सब आने वाले दिनों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का और कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, उसको लेकर क्या आगे? नहीं, उसी की तैयारियां कर दी सर। एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में खुलने की बात हुई है, रोहतक में चालू करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हरियाणा के उस सिरे में हो गई तो एक इस सिरे में ही हम लगा दें। तो कल मैंने जी एक प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया था, चूक हुई है सुरक्षा, सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि देश में प्रजातंत्र है, लोग सड़क पर आ ही सकते हैं, ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है, ये उनकी प्रधानमंत्री जी के रास्ता रोकने के षड्यंत्र में संलिप्तता की शंका रोकती है। देश में प्रजातंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौंक चौंक पर प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोकना है। जो इन्होंने किया है वो किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है। तो राजनीति, राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं पंजाब में। देखिए, अब उसके लिए उच्च स्तरीय सहमति बन गई, केंद्र सरकार ने बना दी है, वो जांच करेंगे और जो जो दोषी पाया जाएगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और ऑक्सीजन पे जैसे हमारे अभी दो हैं, आज भी दो चार आ जाते हैं और एक दो चार आया था ये पूछना लगता।
ऑब्जर्वेशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? कोविड की तैयारियों को जांच रहे हैं। पिछली वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई, उसकी तैयारी का जायज़ा लिया। हमने वेव के बाद सब अस्पतालों में अपने PSA प्लांट लगाने का निर्णय लिया था और 84 PSA प्लांट हमारे सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में फंक्शन में, और प्राइवेट अस्पतालों को भी हमने आदेश दिया था कि वो भी अपने PSA प्लांट्स लगाएं, तो 54 उनके चालू हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन के मामले में तो हरियाणा लगभग आत्मनिर्भर है। बाकी वेंटिलेटर्स हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सफिशेंट मात्रा में है, फंक्शन में है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रोक्योर किए थे, उनको देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। और अभी हालांकि तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन में अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही अपने आप को। तो अभी सब आने वाले दिनों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का और कोविड के मामले बढ़ सकते हैं, उसको लेकर क्या आगे? नहीं, उसी की तैयारियां कर दी। सर, एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में खुलने की बात हुई है, रोहतक में चालू करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हरियाणा के उस सिरे में होगी तो एक इस सिरे में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। जी, एक प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया था, चूक हुई है सुरक्षा, सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोक के जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि देश में प्रजातंत्र है, लोग सड़क पर आ ही सकते हैं, ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है, ये उनकी प्रधानमंत्री जी के रास्ता रोकने के षड्यंत्र में संलिप्तता की शंका रोकती है। देश में प्रजातंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौंक चौंक पर प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोक। जो इन्होंने किया है वो किसी भी तरह से माफ करने लायक नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं पंजाब में। देखिए, अब उसके लिए उच्च स्तरीय समिति बन गई, केंद्र सरकार ने बना दी है, वो जांच करेंगे और जो जो दोषी पाया जाएगा बख्शा किसी को नहीं जाएगा।